आप लोगों के साथ नवरात्रि स्पेशल प्रसाद की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज जो प्रसाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है माँ कात्यायनी का प्रसाद। माँ कात्यायनी को शहद का प्रसाद बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और इसके अलावा उन्हें लौकी और मालपुआ भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज का प्रसाद मैंने लौकी से बनाया है जिसमें कि मैंने शहद का इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर मैं शहद डाल देती हूँ। और चलिए इस प्रसाद को हमने लौकी से और शहद से किस तरीके से तैयार किया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लौकी ले लिया है जिसको कि मैंने छील लिया है। अब इसके जो सॉफ्ट वाले पार्ट है उसको कट करके हम निकाल देंगे। इसको हमको ग्रेटेड कर लेना है। सभी लौकी का हम इसी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर सभी लौकी को मैंने घिस लिया है। अब इसको इस तरीके से दबा करके इसके अंदर जितना भी जूस है उसको निकाल करके हमें अलग कर लेना है। सभी को हम इसी तरीके से कर लेंगे। सारे लौकी के अंदर का जूस मैंने निकाल लिया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्रसाद बनाना। कढ़ाई में हम घी डालेंगे। अब घिसे हुए लौकी को ऐड कर देंगे। घी से 25 मिनट हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे लौकी को अच्छे से कुक करना है ताकि ये फ्राई भी हो जाए और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी यहाँ पे कम हो जाए, अच्छे से ये गल जाए। तो गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और इसको कुक होने देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारी लौकी है काफ़ी कुक हो चुकी है और इसके अंदर का जितना भी पानी था वो यहाँ पे सूख चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मावा। तो मावा मैंने घर पे तैयार किया है इसलिए बिल्कुल इसको ड्राई सुखाया नहीं है, हल्का सा गीला ही छोड़ दिया है। इससे क्या होगा, ये लौकी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी और थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा लौकी को कुक होने के लिए। तो इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और जब तक ये कुक हो रही है अब हम इसमें डाल देते हैं शहद यानी कि हनी। तो शहद माता रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये प्रसाद हम शहद से तैयार कर रहे हैं। तो लौकी और मालपुआ और शहद तीनों चीज़ें माता रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें शहद जो है माता रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो इसीलिए आज मैं लौकी का प्रसाद तैयार कर रही हूँ वो भी शहद के साथ, ताकि माता रानी को ये भोग बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और उनकी असीम कृपा हम लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो आप भी लौकी का भोग तैयार कीजिए जिसमें कि आप शहद को ऐड कीजिए तो माता रानी को ये भोग बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगेगा। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, एक जो गाढ़ी वाली खीर होती है उसका जो टेस्ट है वो आएगा इसमें, और नहीं तो इसको अच्छे से आप सुखा भी सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ क्योंकि मैंने लौकी को ढक करके अच्छे से कुक कर लिया था। अब इसको हम एक कटोरी में डालेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। जय माता रानी, हैप्पी नवरात्रि।